वेलकम गाइस दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस नंबर 124 की। दोस्तों ये बस ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुखमेलपुर गांव तक जाती है और इस बस की जो टाइमिंग है सुबह 6:40 से रात 10 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान 42 स्टॉप आते हैं जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब दिल्ली में 50 नई बसों के जुड़ने से दिल्ली की सड़कों पर परिवहन विभाग की 7320 बसें हो गई हैं। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीपीएस समेत कई आधुनिक उपकरणों के साथ यह बसें लैस हैं। दोस्तों 2025 के अंत तक दिल्ली में कुल 10,380 बसें हो जाएंगी, जिसमें 8,180 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। इस तरह 2025 तक सार्वजनिक बसों के बेड़े में करीब 80% इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की और भी लेटेस्ट अपडेट आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं बस रूट की। तो पहला स्टॉप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है पीली कोठी, इसके बाद जो स्टॉप आता है 30 हजारी एनिमल हॉस्पिटल मोरी गेट, अब जो स्टैंड आता है आइस फैक्ट्री रोशनारा रोड, अगला स्टैंड जो आता है रोशनारा रोड, फिर जो स्टैंड आता है रोशनारा बाग, और अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है क्लॉक टावर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शक्ति नगर जीटी रोड, इसके बाद जो स्टॉप आता है रूप नगर कमला नगर। दोस्तों अब आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। हमारा जो मेल आईडी है dillidtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर जो स्टॉप आता है बंगलो रोड पुलिस स्टेशन रूप नगर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मॉरिस नगर 2, इसके बाद जो स्टॉप आता है दौलत राम कॉलेज, अब जो स्टैंड आता है श्री राम कॉलेज, अगला स्टैंड जो आता है पटेल चेस्ट, फिर जो स्टैंड आता है खालसा कॉलेज, और अब बढ़ते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है जीटीबी नगर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है न्यू पुलिस लाइन, इसके बाद जो स्टॉप आता है अल्पना सिनेमा मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन। दोस्तों अब आप भी अपने मोबाइल फोन के जरिए चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके डीटीसी और क्लस्टर बसों में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी। आप चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। चार्टर ऐप के बारकोड दिल्ली की हर डीटीसी बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टैंड आता है मॉडल टाउन 2, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मॉडल टाउन 3, इसके बाद जो स्टॉप आता है आजादपुर मेट्रो स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है आजादपुर टर्मिनल, अब जो स्टैंड आता है न्यू सब्जी मंडी, फिर जो स्टैंड आता है आदर्श नगर भरोला गांव, और अब बढ़ते हैं अगले स्टैंड की ओर जो आता है सराय पीपल थाला, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है महिंद्रा पार्क, इसके बाद जो स्टॉप आता है जहांगीरपुरी जीटी रोड। दोस्तों अब आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन पर हिम्मत प्लस ऐप जरूर रखें। यह ऐप खास तौर से दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। दिल्ली में कोई भी महिला या सीनियर सिटीजन के साथ कुछ भी गलत या संकट जैसी संभावना लगते ही आप इस ऐप में दिए गए SOS के बटन को दबाएं। ऐसा करते ही आप दिल्ली पुलिस को इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। इस बार इस ऐप में QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी ऑटो रिक्शा कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है, जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन, वाहन चालक का नाम, गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टैंड आता है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है GTK डिपो, इसके बाद जो स्टॉप आता है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, अब जो स्टैंड आता है लेबासपुर जीटी रोड, अगला स्टैंड जो आता है स्वरूप नगर जीटी रोड, फिर जो स्टैंड आता है गुरुद्वारा सिरसापुर जीटी रोड, और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर जो आता है ननगली पूना, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है जैन मंदिर, इसके बाद जो स्टॉप आता है बुधपुर जीटी रोड।
दोस्तों अब दिल्ली में ऐसी महिलाएं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड फोन है, वो महिलाएं भी अब दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए इस हेल्पलाइन नंबर 9223166166 पर कॉल करके हेल्प ले सकती हैं। इस नंबर पर कॉल करने पर दिल्ली पुलिस को आपके नंबर की करंट लोकेशन मिल जाएगी, जिससे आपकी सुरक्षा और भी ज्यादा सुनिश्चित की जा सकेगी। और दोस्तों हम यही चाहेंगे कि आप अपने घरों की महिलाओं के मोबाइल फोन पर इस नंबर को जरूर रखें, ताकि वो कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करती हैं तो वो सुरक्षित ट्रैवल कर सकें। फिर जो स्टॉप आता है BDO ऑफिस, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है अलीपुर गाँव GT रोड, इसके बाद जो स्टॉप आता है PWD ऑफिस, अगला स्टैंड जो आता है जिंदपुर क्रॉसिंग, अब जो स्टैंड आता है जिंदपुर गांव, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है मुखमेलपुर गांव तक ये बस जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है, इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। दोस्तों अगर आप कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तो आप हमेशा ट्रैवल के दौरान मास्क पहनें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगली वीडियो आपको जिस बस रूट की चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।